नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कादरी साहब हमारे साथ हैं और 19 मार्च को बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। क्या क्या तैयारियां हैं, क्या अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो भी पूरे रूप से मैदान में 2024 और 2025 के लिए तैयारी क्या शुरू कर चुका है, इसके बारे में हम कादरी साहब से जानेंगे। कादरी साहब, आपका स्वागत है। क्या तैयारी चल रही है 2024-25 की, तैयारी आपने भी शुरू कर दी अल्पसंख्यक मोर्चा ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अपने नियमों के एतबार से कार्य समिति करती रहती है, उसी नियम के कड़ी है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद हम लोग फिर अपने प्रांतों की कार्य समिति करते हैं और कार्य समिति में एक हमारा स्वागत कक्ष हो जाता है, स्वागत भाग हो जाता है, उसमें हम आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। कादरी साहब, सवाल, और उसके बाद फिर हम पूरी कार्य समिति करते हैं जिसमें जिला के अध्यक्ष होते हैं, जिला महामंत्री होते हैं, फिर प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं। इस प्रकार से हम सब लोग बैठते हैं और अपनी कार्य समिति अपने संगठन के, जैसे माननीय नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जैसे माननीय भिक्खू भाई दलसानिया जी जो बिहार के संगठन महामंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो जो मार्ग प्राप्त करते हैं हम, उस मार्ग के आधार पर निचली इकाई में जाकर के हम लोग सब काम करते हैं। तो मुख्य रूप से कार्य समिति का यह ढांचा होता है कार्य करने का। इस बार जो हम कर रहे हैं कार्य समिति, उसमें थोड़ा सा डिफर हो रहा है। मुद्दे पे आइए, क्या इन कार्य समितियों की बैठक से अल्पसंख्यक जो है भाजपा की तरफ आ रहा है? देखिए, कार्य समिति मुसलमानों को पक्ष में लाना और न लाना, इन दो शब्दों का मिश्रण नहीं है। कार्य समिति अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके सैकड़ों योजनाओं को आज गरीब गुरबा महिलाएं, फिर नहीं, कादरी साहब मेरे सवाल को आप घुमा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक मोर्चा से कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक जो हैं वो भाजपा से जुड़े अब तक, कितनी संख्या आपकी है कार्यकर्ताओं की, जो अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं? जो सवाल हमारा ये है कि क्योंकि बिहार में कहा जाता था कि जो अल्पसंख्यक हैं वो लालू यादव की ही जमात के हैं, क्या भाजपा उसको कुछ तोड़ पाई है? सवाल ये है हमारा आपसे। लालू जी का जो समीकरण था वो तो ध्वस्त हो गया, आपको पता नहीं है। गोपालगंज में हम लोगों ने जनाजा पढ़ा दिया उनके समीकरण का, कुरहन्नी में हम लोगों ने स्वाहा कर दिया उनके समीकरण को, और ये जो समीकरण है वो टूटा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मूल मंत्र लेकर के आए, उस आधार पर आपको जान करके खुशी होगी कि गोपालगंज में लालू जी का घर है और वहाँ से चुनाव वो लोग हारे हैं। लेकिन कादरी साहब, जो आप ये सीना ठोक के कह रहे हैं कि गोपालगंज का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी खड़ी थी और करीब 8,500 वोट उन्होंने काट दिया था अपने ही परिवार का, तब जाकर आप 3,300 वोट से वहाँ जीते थे। अब बताइए आप, कुरहड्डी में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर वोट दिया। पहले गोपालगंज की बात कर लें कादरी साहब, पहले गोपालगंज की बात कर लें। कादरी साहब, पहले गोपालगंज की बात। उनके सारे ताने बाने टूट गए और हालत यह है कि भारतीय राजनीति में वो जो दिख रहे थे कि उनका जो समीकरण था, माई समीकरण यादव और मुसलमान का, उसका पराक्षा उड़ गया है। और याद रखिए, 3 जगह चुनाव हुआ है, उपचुनाव
जिसमें एक जगह व्यक्ति जीता है और वो व्यक्ति मोकामा में जीता है, महागठबंधन नहीं जीती। महागठबंधन तो हार गई, देखिएगा 24 और 25 में वो लोग कहीं पे जाने के लायक नहीं रह जाएंगे। उनका यादव समाज टोटल भाजपा को वोट दे रहा है भाई, मुसलमान टोटल भारतीय जनता पार्टी यानी NDA को वोट पोल कर रहे हैं। कादरी साहब फिर आप शब्दों को घुमा रहे हैं, यदि यादव समाज पूरा भाजपा को वोट देता, यदि 30% यादव भी भाजपा को वोट दे देते तो भाजपा पूरे सत्ता में आ जाती, फिर तेजस्वी यादव दूसरे नंबर की पार्टी नहीं बने होते। मैंने कहा मेरा नाम तुफैल है, हम तो रात दिन समाज के बीच में रहते हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कीजिए। 25 में केवल कमल विधानसभा में लबालब रहेगा, 24 में केवल कमल पार्लियामेंट में लबालब रहेगा, 400 पार होगा इस बार। ये सारे राजनीतिक पंडितों के ताने बाने समाप्त हो गए हैं, ये लोग अभी पागल हो गए हैं, बाल नोच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। एक एक जनता बिहार की, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, जिसका नतीजा है ये सारे के सारे लोग बखुलाए हैं। लालू परिवार तो घोटाले पर आधारित है, जिसने मुसलमानों के शह से प्रॉपर्टी हड़पा है, नौकरी लो जमीन दो, कभी आपने सुना था ऐसा? देश को आज़ाद हुए फिर भी जमानत कल मिल गई, जमानत इस देश, मैंने कहा कि तो लोकतांत्रिक ढांचा है, अदालत है, भारत की अदालत में तो जमानत हम देते ही रहते हैं, इसलिए जमानत। क्या इसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि पहले थोड़ा सा तेजस्वी पे दबाव बना दिया जाए, उसके बाद कल जमानत का विरोध CBI ने नहीं किया है, यानी कि मोदी जी वो अपनी छवि साफ सुथरा करना चाहते हैं कि नहीं भाई ये CBI और ED हमारे तोते नहीं हैं, कहीं इसीलिए तो CBI ने विरोध नहीं किया उसका? तो अभी देखिए जितनी जमीन उन्होंने नौकरी के बदले लिया है, जितने जमीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कादरी साहब, मैंने मेरा सवाल ये था कि क्या कल जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो हैं या गृह मंत्रालय से ये हुआ कि भाई विरोध मत करो जमानत का, क्योंकि CBI यदि विरोध करती तो हो सकता है जमानत मिल जा नहीं मिलती, CBI ने कुछ कहा ही नहीं, जमानत दे दिया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? सवाल ये है, पूरी बात सुनिए आप, पूरी जमीन लिया, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा, फिर उसी प्रकार से सोना चांदी सबको लूटा, बिहार की गाड़ी कमाई, आपको जान करके हर्ष होगा कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो वो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये छोटा मूल मंत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ खड़ी है, और ये विश्वास आप करें कि बिहार के जनता के साथ, गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ, यादों के साथ जो किया है लालू जी के परिवार के लोगों ने, वो भली बात किया, अब किसी बस्ती में जाने के लायक नहीं रह जाएंगे। अब हम चोरी करें और फिर कहें कि मुसलमानों मेरा साथ दो, ऐसा हुआ है कभी? हम डकैती करें और मुसलमानों को हम बुलाएँ कि आओ मेरी मदद करने के लिए, ऐसा हुआ है कभी? कादरी जी आपने अभी अभी कहा कि MY फैक्टर लालू प्रसाद यादव के खानदान का टूट गया है, अब भाजपा के साथ भी अल्पसंख्यक हैं, यदि भाजपा के साथ अल्पसंख्यक रहते तो वैसी को 4 सीटें वहाँ नहीं मिली होती उस क्षेत्र में। मैंने फिर कहा कि ये तो लोकतांत्रिक ढांचा है ना, चुनाव होता है, जीतने वाले कैंडिडेट जाएंगे चुनाव जीतेंगे, हम लोगों ने तो तस्लीमुद्दीन बाबू को हराया था किशनगंज में, उसको आप लोग भुला गए, शानवाजी चुनाव जीत करके गए, उस 95 में हम लोगों की तो हालत अच्छी, उस 95 को देखिए आप जरा, उसके बाद शानवाजी चुनाव नहीं जीत पाए, देखिए ना कैसा था वो काल, 90 से हम काम कर रहे हैं, सब हमको अनुभव प्राप्त है किस तरह से है, लेकिन तस्लीमुद्दीन बाबू को हराया वो आपको याद नहीं है? शबाब था, जवानी पर थी, लालू और तस्लीमुद्दीन एंड कंपनी, हमने हराया है, इतिहास है, कमल ने हराया है, इसको आप लोग बार बार कहिए के पछाड़ा है कमल छाप वालों ने, चित्ते पटका है, ये भुला गए आप? लालू प्रसाद यादव का पूरा कुंबा पूरे बिहार के यादव और मुसलमान के प्रॉपर्टी को हड़पे हैं, नौकरी लो जमीन दो, नौकरी लो, अब बताइए बिल्डिंग बनवा रहे हैं, प्लॉट पे प्लॉट ले रहे हैं, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें हैं।
यानी भाजपा जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ मिलकर 24-25 की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमानों को ये लोग गुमराह किया है, दिग्भ्रमित किया है, और तब किया जब कहा कि भाई देखिए ये मुसलमान हमारा बैंक वोट बैंक है। कभी भाजपा ने ये नहीं कहा कि मुसलमान मेरा वोट बैंक है, भाजपा ने कहा मुसलमान मेरा अभिन्न अंग है, क्योंकि भारत माँ की। और तो आपने सुना, अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे कादरी, उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान मेरा वोट बैंक है, भाजपा ने हमेशा ये कहा कि मुसलमान मेरा अभिन्न अंग है। अब देखना है कि अल्पसंख्यक जो हैं कितना अपना अंग मानते हैं भाजपा को, ये तो चुनाव में निश्चित तौर पर पता चलेगा। उस समय भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हम अपने दर्शकों के लिए ये खबरें लेके आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।